There it is. India lift the Under-19 World Cup. New Zealand 2018. And the celebrations will go on for a long, long time tonight. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बे ओवल स्टेडियम में 8 विकेट से मात देकर अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने चौथी बार खिताब पर कब्जा किया। भारत की जीत को ओपनर मनजोत कालरा ने आसान बनाया, जिन्होंने 102 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 101 रन की नाबाद पारी खेली। Make that 50 for Manjot Kalra. Oh, big. Watch out on the banks. And he gets it. The big moment has come for Manjot Kalra. The final of the Under-19 World Cup. And he delivers with 100 in style. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 217 रनों का मामूली लक्ष्य रखा। जवाब में उत्तर भारतीय टीम ने ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान पृथ्वी शॉ ने 29 जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 102 रनों की नाबाद पारी खेलने के वाले शुभमन गिल ने 31 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की तरफ से मेरलो और पारम उप्पल ने चौथे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। इसके बाद मेरलो ने नाथन मैक्सवीनी के साथ 49 रन जोड़े। शिवा ने मैक्सवीनी का रिटर्न कैच लेकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया। उस समय स्कोर 5 विकेट पर 183 रन था। इससे पहले रॉय ने उप्पल को रिटर्न कैच लेकर पवेलियन भेजा। भारतीय स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाए। सलामी बल्लेबाज जैक एडवर्ड्स और मैक्स ब्रायंट टिक नहीं सके। तेज गेंदबाज ईशान पोरेल ने दोनों बल्लेबाजों को उछाल लेती गेंद पर कवर। इस टूर्नामेंट की एक और खोज कमलेश नागरकोटी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान संघा समेत 2 विकेट लिए। वहीं शिवम मावी को 1 विकेट मिला। First sweep in the air, should be taken, comfortably is. Oh, brilliant, yeah. India! 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 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया और इसका सेहरा जाता है मोहाली के शुभमन गिल को, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 102 रन की पारी खेली, जिस कारण भारत फाइनल में पहुंचा। भले ही आज वह 31 रन पर आउट हो गए हो, लेकिन उनके परिवार वालों को अपने बेटे पर गर्व है। शुभमन की मां के अनुसार आज उनके बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया। बहुत खुश है सर, इस बात को लेकर जो हमने सोची कि वर्ल्ड कप हम जीतना है, वो हमने जीतना है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो आज लाल रंग का ये है कि शायद वो उसको कहीं ना कहीं अपना लकी चार्म मानता है, तो इसलिए अपने पास रखता है। जब खेलता है तो कुछ ना कुछ रेड कलर का अपने हिंदी या कुछ भी अपने साथ रखता है, तो अपना लकी चार्म मानने की वजह से उसको। तो बताता भी होता था आपको इस बारे में, लाल रंग के बारे में? हाँ, जैसे कि उसको होता है किसी बैट के रन अच्छे हुए हैं तो फिर वो उसको लकी बैट मारने लग जाता है, तो उस बैट से उसको होता है कि बैट ज़्यादा आज मेरे अच्छी परफॉर्म रहेगी, तो बैट मारने लगता है। तो स्पिरिचुअली किसको मानता है वो? किस तरह की सेलिब्रेशन में हम आज रुकी है तैयारी आपने? सर ऐसी बात, इसके बाद फ्री होते हैं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, फिर अपने जो आप बाकी मूवमेंट सारी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ मैच का, कुछ बाकी चीज़ें और शुभमन के साथ बात करेंगे। मैच को देखने के लिए कॉलोनी वालों ने खास प्रबंध किया हुआ था। विकेट व शॉट पर खुशी का इजहार कुछ इस तरह से वह कर रहे थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप को
भारतीय टीम ने जीत कर दिखा दिया, भारत के विजय रथ को रोकना आसान नहीं होगा। आज असम की राजधानी गुवाहाटी में द एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है और इसमें दुनिया भर से निवेशकों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति तभी आएगी जब देश के पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी तेज गति से हो। पिछले 3.5 वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले 1.5 वर्ष में असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा है व असम प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि भूटान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी भूटान व भारत की मजबूत दोस्ती को दर्शा रही है। साथ ही ये एडवांटेज असम आसियान के लिए एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम को उत्तर पूर्व के कारोबारी स्थान बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम देखने को मिला है। असम उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा कारोबारी हब बन सकता है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अपने संबोधन में कहा कि भूटान की इकॉनमी अब ग्लोबल रूप से मजबूत हो चुकी है और देश के प्रति व्यक्ति आय $3,000 हो चुकी है। आज भूटान आधुनिक देशों में शामिल हो चुका है और इसके पीछे देश के नागरिकों की मेहनत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सोच बदल गई है, अब हताशा की जगह हौसला और आशा ने ले ली है। देश में दोगुनी रफ्तार से विकास हो रहा है। हम सभी योजनाओं को उस तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का कल्याण करे। हमारी योजनाएं जिंदगी को आसान बनाने के लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में पहुंचने से पहले ट्वीट में लिखा था कि इस सम्मेलन में ऊर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, परिवहन, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, हस्तशिल्प और पर्यटन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन असम के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस समिट में आप सभी की उपस्थिति ये दिखा रही है कि असम किस तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विशेषकर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री श्री तोब्गे की उपस्थिति भारत और भूटान की अटूट मित्रता की गवाही दे रही है। भाइयों और बहनों, भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति भी आएगी जब देश में हमारे पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का, यहां के समाज का, इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी तेज गति से हो। मेरा मानना है कि इम्फाल से लेकर के गुवाहाटी तक और कोलकाता से लेकर के पटना तक पूर्वी भारत के विकास का नया ऊर्जा केंद्र बनना चाहिए और यही हमारा विजन और यही हमारा अप्रोच है। आज जितने व्यापक पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। साथियों, केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नए एम्स को भी मंजूरी दी है। सरकार उत्तर पूर्व को भी नेशनल गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। 3000 करोड़ रुपयों की लागत से गेल द्वारा गुवाहाटी तक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम
स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई योजना नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% शत प्रतिशत फंडिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उत्तर पूर्व में हो रहा यह निवेश यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा, यहां के युवाओं के लिए, यहां की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा। साथियों, में असम के मुख्यमंत्री श्रीमान सर्वानंद सोनोवाल जी की, और मैं पहले कहता था असम का आनंद सर्वानंद, सर्वानंद सोनोवाल जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में असम में बिजनेस फ्रेंडली और डेवलपमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने का काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी असम सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। असम सरकार उद्योगों को लगाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टैक्स इंसेंटिव भी दे रही है। नई आईटी पॉलिसी, नई स्टार्टअप पॉलिसी, नई स्पोर्ट पॉलिसी, नई शुगर पॉलिसी, नई सोलार एनर्जी पॉलिसी, न जाने कितनी उन योजनाओं को लेकर के असम सरकार आगे आई है। मैं राज्य सरकार की इस बात के लिए भी भूरी भूरी प्रसन्नता करता हूं कि वो गुवाहाटी को आसियान देशों के साथ व्यापार के लिए एक बिजनेस हब के तौर पर विकसित कर रहे हैं। गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। नई पॉलिसीज बनाए, आयुष्मान भारत के अलावा भी सरकार ने अपनी दो और योजनाओं के जरिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की सेहत से जुड़ी चिंता को बहुत कम किया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे दो कश्मीरी छात्रों को कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब वे मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। छात्र के चेहरे पर काफी चोटें आई हैं। जावेद ने ट्वीट कर जम्मू के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र के ट्वीट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। जावेद ने बताया कि वह नमाज पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था। इसी दौरान कुछ स्थानीय गुंडों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। तो वो जब इसने उस दुकान से उठाए, मैंने जैसे बाइक स्टार्ट की तो कुछ लड़के पीछे से आए, उन्होंने पूछा कुछ भी नहीं मुझसे, ना कुछ मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का स्टूडेंट हूँ, आखिर बात क्या, क्यों मार रहे हो? बस मेरे मुंह से सिर्फ इतनी बात निकली, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वापस आ रहे थे जब वो कुछ लोग थे, हमें फॉलो कर मार रहे थे, ईंट ली हुई थी उन्होंने, ईंटों से मार रहे थे, हेलमेट छीन लिया उससे मार रहे थे, पीछे इधर काफी लगी हुई है बाजू को, और कपड़े वपड़े सारे फाड़ दिए थे। बाकी उन्होंने कोई नहीं, मैं पूछ रहे थे क्यों मार रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो कोई नहीं सुन रहे थे, सिर्फ मार रहे थे, कोई देख नहीं रहा था। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 349, 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने छात्रों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस अधिकारी भी साथ रहने के लिए दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मानहानि के मुकदमे में अरुण जेटली से जिरह 12 फरवरी को समाप्त करे। ये मुकदमा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अरविंद केजरीवाल और आपके पांच पांच नेताओं के खिलाफ दायर किया है। संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने कहा कि उन्होंने वाद के रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि केंद्रीय मंत्री को 8 अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया और मुख्यमंत्री ने जिरह के दौरान उनके सामने 250 से अधिक सवाल रखे। पंडित ने कहा, मुझे महसूस होता है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता जेटली से जिरह के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है। प्रतिवादी को ये निर्देश देना जरूरी है कि वे अपना साक्ष्य दर्ज करने का काम 12 फरवरी तक पूरा करें। केजरीवाल को भविष्य में जिरह के लिए और तारीख नहीं दी जाएगी।
केजरीवाल के वकील अनुपम श्रीवास्तव ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे। यह आदेश जेटली से जिरह के दौरान आया। उन्होंने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन में उनके खिलाफ लगे वित्तीय अनियमितता के आरोपों के मद्देनजर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में जगह जगह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसने दिल्ली में सियासत और गर्मा दी है। दरअसल करावल नगर में लगे इस पोस्टर में सीएम केजरीवाल को मुसलमानों का मसीहा बताया गया है। इस पोस्टर के साथ विशाल जनसभा को लेकर तारीख और जगह की भी जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में आपके कई बड़े नेताओं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और अमानतुल्ला खान की भी फोटो लगी हुई है। वहीं ये बात सामने आ रही है कि ये पोस्टर आप करावल नगर विधानसभा की तरफ से लगाए गए हैं। सरकार की नजर अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाली कंपनियों पर है। जो कंपनियां अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। फाइनेंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नियम के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ये नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा। बता दें कि सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद शेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए इस नियम का प्रस्ताव किया है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में बड़े पैमाने पर शेल कंपनियां हैं। इनमें से 99% कंपनियां रिटर्न फाइल नहीं करती हैं। मौजूदा नियम के तहत अगर कोई कंपनी की इनकम टैक्सेबल नहीं है और वह रिटर्न फाइल नहीं करती तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। लेकिन फाइनेंस बिल प्रभावी होने के बाद कंपनियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, चाहे उनकी इनकम टैक्स बनता हो या फिर ना बनता हो। अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में एक चौकी के आने से 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक घायल हो गया। मौसम विभाग ने गत 2 दिन पहले भूकंप आने के बाद हिमस्खलन की चेतावनी दी थी। इस हादसे में शहीद हुए जवानों की पहचान कमलेश, बलवीर और राजेंद्र के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान विपिन को इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में पहुंचाया गया है। गत वर्ष भी कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन में 11 लोगों की जान चली गई थी। बर्फबारी में राजस्थान के 3 सैनिकों के दबकर शहीद होने की खबर से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी में अलवर, झुंझुनू तथा भरतपुर के 3 जवान शहीद हो गए। भरतपुर जिले में डीग के अंजारी गांव के बलबीर सिंह शहीद हुए हैं, जिनके 2 पुत्र हैं। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शहीद का शव दोपहर तक उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा, जहां सैनिक सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।